लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि परागकण है वो चतुष से मुक्त कैसे होते हैं, यानी लघु जीवों का लघु जीवों के रूप में परागकण होते हैं, वो चतुष के रूप में रहते हैं, उस चतुष से परागकण कैसे मुक्त होते हैं। तो कुछ बच्चों ने बोला कि फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया क्या, तो फर्स्ट लेसन कंप्लीट है आपका। उसमें अलैंगिक जनन की विधियां थी, लैंगिक जनन की विधियां, लैंगिक जनन में कौन से प्रमुख भाग होते हैं पौधे के, वो हमने पढ़े थे, और कायिक प्रवर्धन, वो सारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में सेकंड लेसन हमने स्टार्ट किया था, तो सेकंड लेसन का आज पार्ट 4 है, जिसमें अब प्राग कण है वो नर युग्मक कैसे बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार होता है वो इस वीडियो में अपने पूरा पढ़ेंगे। तो नर युग्मकोद्भिद, सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद बनता है, तो नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं आप नोट करना उसका, अंकुरित प्राग कण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। जब चतुष्क से प्राग कण मुक्त हो जाते हैं और प्राग कण जब अंकुरित हो जाता है, मतलब उसमें प्राग नली बन जाते हैं, तो उसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका परिवर्तन प्राग कणों से होता है, जो नर युग्मकोद्भिद है वो प्राग कणों से ही बनते हैं, क्योंकि प्राग कण उसमें एक प्राग नली बन जाएगी और जिसे नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। अब जो नर युग्मकोद्भिद है इसका परिवर्तन कैसे होता है, हेडिंग डालोगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। तो नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन में सबसे पहले आप नोट करेंगे कि जब प्राग कण चतुष्क से मुक्त होता है, साथ साथ में नोट करना कि जब प्राग कण चतुष्क से मुक्त होता है तो प्रागण से पूर्व, प्रागण मतलब प्राग कणों का वृत्तिकाग्र पर गिरना प्रागण कहलाता है, प्रागण यानी प्राग कणों का वृत्तिकाग्र पर गिरना प्रागण कहलाता है। अब जो क्रियाएं प्रागण से पूर्व होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो प्राग कण है सबसे पहले, उसमें जो केंद्रक होता है वह केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। प्राग कण का केंद्रक है दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक कायिक कोशिका बनाती है और एक जनन कोशिका बनाती है। जो प्राग कण होता है उसका जीव द्रव्य सघन होता है और उसमें अनेक रिक्तिकाएं पाई जाती है, नोट करते जाओगे प्रागण है उसमें केंद्रक विभाजित हो जाता है और दो कोशिकाएं मिलती है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। प्राग कण का जीव द्रव्य सघन होता है और इस जीव द्रव्य में अनेक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। प्रागण में एक या तीन जनन छिद्र होते हैं, ये जो दिखा रहे हैं ये जनन छिद्र होते हैं। इन जनन छिद्रों का क्या कार्य है, इन जनन छिद्रों का कार्य है कोई भी एक जनन छिद्र का वो प्राग नली को बाहर परिवर्तित होने में सहायता करते हैं। तो इस जनन छिद्रों से ही प्राग नली प्राग कण से बाहर निकलती है। तो जो जब परिवर्तन होता है नली युग्मकोद्भिद का, तो जो जीव द्रव्य है वो अधिक सघन होता है, वो धीरे धीरे परिधि की तरफ जीव द्रव्य चला जाता है और जो कायिक कोशिका है वो बीच की तरफ बनती है और जो जनन कोशिका है वह प्रीति की ओर बनती है। ये जनन कोशिका है यह प्रीति की ओर बनती है। जब जनन कोशिका प्राग नली के रूप में बाहर निकलती है तो वह प्राग कण से दूर हो जाती है और उसमें अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं। जब ये जनन कोशिका इस जनन छिद्र से बाहर निकलेगी तो ये प्राग कण से दूर हो जाएगी और इसमें अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होने के बाद में ये क्या बना देती है, नर युग्मक बना देती है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक प्राग कण में कितने नर युग्मक हैं, तो नोट करना एक प्राग कण में दो ही नर युग्मक बनते हैं। एक प्राग कण में कितने, दो नर युग्मक बनते हैं। जो कायिक कोशिका होती है वो बहुत बड़ी होती है
और जनन कोशिका होती है वो छोटी होती है। प्रागधनी जब नर युग्मक जनन छिद्र से बाहर निकलती है तो यह एक लंबी नलिका रूपी चपटी और या फिर कृमि रूपी दिखाई देती है। इस प्रागधनी का कार्य क्या है? लिखोगे नर युग्मकों को वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचाना। प्रागधनी का कार्य क्या है? नर युग्मकों को वर्तिकाग्र से बीजांड तक पहुंचाना। तो इस तरह से जब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं प्रागकण तो वर्तिकाग्र पर ये प्रागकण गिरते हैं तो ये प्रागनली न तो ये प्रागनली है ये लंबी वृद्धि करके जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में बीजांड होते हैं उन बीजांड में जाकर ये प्रागनली है नर युग्मकों को छोड़ देते हैं नर युग्मक आगे संलयन करते हैं। तो इस तरह से नर युग्मकों का परिवर्तन होता है। अब आप नोट करोगे जो कायिक कोशिका है और जनन कोशिका है उन दोनों कोशिकाओं में आप अंतर कैसे बता सकते हो? तो नोट करें कि जनन कायिक कोशिका और जनन कोशिका में अंतर। अब आगे कायिक कोशिका व जनन कोशिका में अंतर। तो कायिक कोशिका में और जनन कोशिका में फर्स्ट अंतर आप उनके आकार के आधार पर नोट करेंगे कि कायिक कोशिका का आकार है वो बड़ा होता है किससे? जनन कोशिका से। आपने डायग्राम में देखा होगा कायिक कोशिका बड़े आकार की दिखाई देती है। जनन कोशिका का आकार छोटा होता है। एक अंतर ये हो गया या फिर आप इनके दोनों का अलग अलग टॉपिक बनाकर लिख सकते हो। कायिक कोशिका पहले लिख देना सारी उसके बारे में फिर नीचे जनन कोशिका लिख सकते हो या फिर दोनों में इस तरह से लिख सकते हो। फिर सेकंड अंतर है केंद्र प्रारंभ में गोलाकार होता है और बाद में कैसा अनियमित आकार का हो जाता है। अनियमित आकार का मतलब ना तो गोलाकार होता है ना चपटा टेढ़े टेढ़े आकार का केंद्र हो जाता है। लेकिन जो जनन कोशिका है ये पहले शुरू में जनन कोशिका लेंस के आकार की होती है और बाद में ये कैसी होती है? गोलाकार होती है। लेंस होता है वो थोड़ा सा चपटा होता है तो ये बाद में गोलाकार आकार की हो जाती है। फिर अगला अंतर है इसमें विभिन्न कोशिकांग होते हैं। जो कायिक कोशिका है विभिन्न प्रकार के कोशिकांग आपको पता है डीएनए आरएनए कोशिका द्रव्य रिक्तिकाएं और इसके अलावा प्रोटीन जो भी है वो कोशिकांग होते हैं और आरएनए है प्रोटीन है वो सारे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो जनन कोशिका है इसमें क्या कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है और साथ में आरएनए की मात्रा है वो कायिक कोशिका से कम होती है। दोनों में डीएनए की मात्रा समान होती है। नोट करना जनन कोशिका है कायिक कोशिका में डीएनए की मात्रा समान होती है लेकिन आरएनए कायिक कोशिका में अधिक होता है और जनन कोशिका में कम होता है। फिर आगे है कायिक कोशिका प्रागकण के अंकुरण के समय प्राग नलिका का निर्माण करती है और बाद में नष्ट हो जाती है। जो कायिक कोशिका है जब प्रागकण बनता है उस प्रागकण का अंकुरण मतलब नर युग्मकोर भी बनता है तो वह क्या होती है प्राग नलिका बना देती है। प्राग नलिका जब बन जाती है तो कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है। और जो इसमें जनन कोशिका है ये क्या होती है आगे प्राग नलिका के रूप में उसमें क्या दिखाई देते हैं नर युग्मक दिखाते हैं और यह प्राग नलिका कैसी हो जाती है लंबी क्रमी रूपी।
बारे में और माता जी को